हेलो जी। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। ऐसे ही हम घर पर ही बनाएंगे बिना तंदूर का, बिल्कुल तंदूर जैसा ही पनीर टिक्का बनाएंगे घर पे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं ले ली हूँ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। और यहाँ पे 200 ग्राम पनीर मैं ऐसे मोटे और बड़े टुकड़े में कट कर ली हूँ। अब यहाँ पे लेंगे एक बॉल, बॉल में डालेंगे ये दही। तो दही मैं यहाँ पे 200 ग्राम ली हूँ। तो दही का पानी मैं निकाल कर ली हूँ। और यहाँ जाएगा रोस्टेड जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच नॉर्मल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ जाएगा 3 चम्मच बेसन भुना हुआ। और यहीं पे जाएगा 3 चम्मच सरसों का तेल गरम करके यहाँ पे डाल देंगे। अब बस इन सबको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहीं जाएगा आधा नींबू का रस। तो नींबू का रस हम ऐसे निचोड़ के यहाँ पे डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालेंगे जो हम काट कर रखे हैं शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सब यहाँ पे डाल देंगे। टमाटर और पनीर अब इन सबको डालने के बाद हल्के हाथों से हम इन सबको मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें नहीं तो पनीर टूट जाएगा। तो ऐसे ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी है। अब हम लेंगे सिक। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं ये सिक ले ली हूँ। अब इसमें पहले मैं प्याज, फिर शिमला मिर्च, फिर टमाटर, फिर पनीर का एक टुकड़ा ऐसे ही करके हम इसमें लगा लेंगे अच्छे से। फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बनता है, घर पर आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए ऐसे ही हम सारा क्यूब्स लगा लेंगे इसमें। तो फ्रेंड ऐसे ही हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारा रेडी कर ली हूँ ये। अब हम यहाँ पे रखे हैं एक तवा, तवा पे डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसी पे हम एक एक करके अपना ये पनीर टिक्का सिक रख देंगे। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब फिर उलट पलट करके इसे हम अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड देखिए दोनों साइड हमें अच्छे से पकाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए दोनों साइड अच्छे से उलट पलट करके इसे चारों तरफ से हमें पका लेना है। तो ये हमारा पनीर टिक्का हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे तंदूर जैसा फ्लेवर देने के लिए गैस पे हम ऐसे थोड़ा सा इसे सेक देंगे। तो सारे जितने भी हमारे पनीर टिक्के हैं सबको हम यहाँ पे सेक लेंगे। अब आइए इसे सब करते हैं। तो फ्रेंड देखिए सेक दी हूँ तो थोड़ा सा ये अलग सा इसका टेक्सचर आया है, एकदम तंदूर वाला जो पनीर टिक्का होता है बिल्कुल वैसा। और यहाँ पे हम ग्रीन चटनी जो रेस्टोरेंट में मिलता है वो मैं बनाई हूँ, और ये प्याज और नींबू के साथ एंजॉय करें।
और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड।